News 18, India. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से, ईडी की कस्टडी में आज से हेमंत सोरेन। पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच होगी। ईडी दफ्तर में ही मेडिकल जांच की व्यवस्था है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया है। आपको बताएं कि ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली है और ऐसे में आज से उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। आज से रिमांड अवधि यानी कि अगले 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जमीन घोटाले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी होती है। आज ईडी कस्टडी में हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। इससे पहले हमने देखा था कि उनसे 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी, तब उन्होंने सवालों के सही से जवाब नहीं दिए थे। ऐसे में ईडी के पास सवालों की लंबे फेरिस्ट है जमीन घोटाले को लेकर के। और पहले ये जानकारी सामने आई थी, सूत्र बता रहे थे कि हेमंत सोरेन ने सहयोग नहीं किया था। इसी वजह से ईडी ने जो दलीलें दी उसके आधार पर ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली है। आज से रिमांड शुरू हो रही है। हेमंत सोरेन का इससे पहले मेडिकल होगा, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। ईडी की कोशिश रहेगी कि जो इन 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब लिए जाएं। और हमने देखा था कि पहले जो सवाल किए गए थे कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछा गया था ताकि हेमंत सोरेन सही जानकारी दे पाए। हमने देखा कि जो सियासी घटनाक्रम होता है, हेमंत सोरेन वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद चंपई सोरेन का कल राजतिलक होता है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विश्वसनीय हैं हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे और जो झारखंड का इतिहास रहा है कि किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, वही हेमंत सोरेन के साथ भी वो आदिवासी नेता ने कार्यकाल पूरा नहीं किया था, उसके बाद ही पूरा घटनाक्रम होता है। चंद्रमोहन न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, कितने बजे मेडिकल होगा और कितने बजे से हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी क्योंकि आज से रिमांड शुरू? तकरीबन 10:30 बजे के बाद ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे जेल और फिर हेमंत सोरेन को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। वहीं पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी दफ्तर में ही उनका मेडिकल होगा और उसके बाद फिर पूछताछ शुरू होगी। और हेमंत सोरेन पिछले 2 दिनों से जेल में बंद है और 5 दिनों का जो रिमांड मिला है, जैसे रिमांड खत्म होगा उसके बाद फिर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी के अधिकारी कोर्ट से 1 सप्ताह का और रिमांड मांग सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रमोहन अहम बात बताते हुए कि एक तो ईडी दफ्तर में ही पूछताछ होगी, मेडिकल भी ईडी दफ्तर में ही होगा। चंद्रमोहन, जो इससे पहले 6.5 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे, अब सवालों की लंबी फेरिस्ट है। बिल्कुल, तकरीबन 210 सवाल से ज्यादा ईडी के अधिकारी उनके आवास पर 1 बजे लेकर पहुंचे हुए थे, जहां उनसे तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो हाँ या ना में या फिर नहीं जानते हैं, और कई ऐसे सवाल थे जिसके पूछे जाने के बाद हेमंत सोरेन झल्ला भी गए थे। तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जब वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं ऐसे आलम में उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और तब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिए।